वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ DIY स्किन केयर रूटीन, यानी ये वन स्टेप स्किन केयर रूटीन है। तो बहुत ज़्यादा ठंडे अभी विंटर चल रहे हैं, तो विंटर में इतना सारा स्किन केयर रूटीन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ एक वन स्टेप स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं एक क्लेंज़र भी उसी में मैं ऐड कर दूँगी, एक पैक और एक मॉइस्चराइज़र भी मैं उसमें ऐड करूँगी, जिससे कि आपका जो स्किन केयर रूटीन होगा वो वन स्टेप होगा ओनली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है हनी, आप देख सकते हो। आपको जितने भी ये इन्ग्रीडियंट हैं ये सारे आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेने हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर हनी लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क, आप देख सकते हो ये यहाँ पर मिल्क मैंने इसमें लिया है। तो मैंने इसमें ऐड किया है टर्मरिक, तो ये थ्री इन्ग्रीडियंट मुझे चाहिए होंगे मेरे स्किन केयर रूटीन के लिए। तो मैं ये जो मैंने मिल्क और टर्मरिक का जो पूरा ये है तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आपको अपने ही हिसाब से इंग्रेडिएंट लेने हैं इसमें, अपनी क्वांटिटी के हिसाब के कि आपको कितना बनाना है एक टाइम के लिए, आपको थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आपको बनाना है आप उस हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। तो अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसे इस टाइप से मिक्स करना है और ये आपका पूरा वन स्टेप जो क्लेंज़र है या पैक है मॉइस्चराइज़र है ये अच्छे से हो गया है। उसके बाद इसी से हम मसाज भी करेंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया है मिल्क, जो कि आपकी स्किन से डर्ट को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन से डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है, आपके जो फेशियल हेयर होते हैं तो उसे भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर ये कॉटन ले रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई करूँगी। तो ये इस टाइप से पेस्ट है, आप देख सकते हो ये इस टाइप से बनाया है, बहुत ही ज़्यादा पतला है ये, तो मैंने इसे पतला ही किया है ताकि फेस पर अच्छे से ये अप्लाई हो जाए इसीलिए। तो इसे कॉटन की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने इसमें टर्मरिक ऐड किया है जो कि आपकी स्किन को लाइटन अप करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको डार्क स्कार्स की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसे भी रिड्यूस करेगा और आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करेगा। तो इसलिए मैंने इसमें टर्मरिक ऐड किया है। इसमें मैंने हनी भी ऐड किया है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करेगा बहुत ही अच्छे से और आपकी स्किन से एक्ने को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि ड्राई स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगा हनी। और अगर आप इसको इसमें मिल्क ऐड नहीं भी करना है तो आप सिर्फ इसमें हनी को ऐड कर लीजिए और अपने पूरे फेस पर इसे 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करके छोड़ दीजिए। इससे आपकी जो स्किन होगी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपके फेस पर ड्राई पैचेस की प्रॉब्लम है तो वो भी अच्छे से रिड्यूस हो जाएगी इससे। तो इसे अच्छे से मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इसे आपको 10 मिनट मसाज भी करना है, क्योंकि विंटर में मसाज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, इससे आपके फेस के जो पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होती है और आपके पिंपल्स भी नहीं होंगे इससे। तो इसीलिए अच्छे से इसे अप्लाई करना है और इसमें मसाज ज़रूर करना है, यही एक स्टेप है। बाकी आपको कोई पैक अप्लाई करने की, कोई सीरम अप्लाई करने की नीड नहीं है इसमें। मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें ताकि फेस आपका जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो। तो अच्छे से मैं कॉटन की हेल्प से पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर रही हूँ और फिर आपको मसाज करना है। मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगी मसाज के, उस टाइप से आप मसाज करें अपने फेस की तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होगा और आपके पिंपल्स भी नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन पर ग्लो ज़रूर आएगा। इसे रेगुलरली आप 7 डेज़ भी फॉलो करेंगे रोज़, तो आपकी स्किन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं अच्छे से मसाज करूँगी इससे। तो मैं आपको मसाज के 5 स्टेप बताऊंगी जिससे आप मसाज करना, आप जैसा आपको पेस्ट रखना है आप उस हिसाब से पेस्ट रख सकते हैं। तो आपको ये फर्स्ट स्टेप जो है आपको इस टाइप से करना है, इस टाइप से आपको 5 टाइम्स करना है। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, इसीलिए मैं आपको ये मसाज बता रही हूँ। तो इससे आपको 5 टाइम करना है। उसके बाद आपको जो सेकंड वाला स्टेप करना है वो इस टाइप से करना है, इससे भी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा और इस मसाज से अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको ये वाला जो मसाज है वो वाला भी करना है ये स्टेप। तो ये 5 बहुत ही सिंपल स्टेप है, इसको आप 5 टाइम कर लीजिए
और उसके बाद आपको ये वाला जो स्टेप है ये करना है, ये आपके हनी भी आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा, आप टर्मरिक आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा, और जो मिल्क है वो भी आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो इस टाइप से आप 10 टाइम इसे करिए, इससे आपके डार्क सर्कल्स रिमूव होंगे और आपका जो अगर पफिनेस की प्रॉब्लम है तो वो भी रिड्यूस होगी, झुर्रियाँ हैं अगर आपके फेस पर तो वो भी बहुत अच्छे से रिड्यूस होगी। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो आपका ये इस टाइप से आपको हाथ करना है और आपको इस टाइप से करना है। तो ये 5 टाइम करने के बाद आप ऑयल ले लीजिए ताकि मसाज अच्छे से हो जाए। उसके बाद आपको जो लास्ट वाला जो स्टेप है वो आपको करना है इस टाइप से। 5 टाइम आपको इस स्टेप को करना है। तो ये सारे ही जो मसाज के मैंने आपको स्टेप बताया है उसे करने के बाद आप अच्छे से अपने पूरे फेस पे से अच्छे से मसाज कीजिए और अपने डार्क सर्कल्स पर भी इसे अच्छे से अप्लाई कीजिए। और उसके बाद आपको 5 मिनट्स इसे अप्लाई करके छोड़ना है और आप इसे वॉश कर लीजिए। इससे आपका फेस क्लीन हो जाएगा और आपको कोई भी टोनर की नीड नहीं होगी, कोई भी फेस वॉश भी आपको यूज़ नहीं करना है इसमें, और कोई भी सीरम भी अप्लाई नहीं करना है। तो अच्छे से मैंने अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो अब अपने फेस को मैं वॉश करूँगी। 5 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो मैंने अपने फेस को कर लिया है वॉश। इससे जो आपकी स्किन होगी वो बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी, ताकि आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की नीड नहीं होगी, आपको सीरम अप्लाई करने की नीड नहीं होगी। अगर चाहते हैं आप तो आप मॉइस्चराइज़र को ज़रूर अप्लाई कीजिए, टोनर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप रोज़ वाटर को इसमें अप्लाई करके अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जिससे कि आपके जितने भी स्किन केयर रूटीन के प्रोसेस होते हैं वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट आपको इसमें यूज़ करने हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, और इस टाइप से अगर आप रेगुलरली मसाज करते हैं तो आपका जो फेस होगा वो बहुत ज़्यादा ग्लोई रहेगा, क्योंकि मसाज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होता है। तो आपके रिंकल्स पिम्पल्स की प्रॉब्लम रिड्यूस होगी। और इसमें आपको मिल्क को ज़रूर ऐड करना है, आप टर्मरिक अवॉइड कर दीजिए लेकिन मिल्क और हनी को ज़रूर ऐड करना, ताकि जो आपकी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो रिड्यूस हो जाएगी। और हनी इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि जिनकी स्किन ड्राई होती है तो उनकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, तो इसीलिए मैंने इसमें हनी ऐड किया है। तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर करें और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 7 डेज़ आप इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।